क्या हुआ अब्बा? घर में सब खैरियत तो है ना? अम्मी आप वो क्या हुआ, रो क्यों रही है? कोई मुझे तो बताए क्या हुआ। हम बात पक्की करके आए हैं और निकाह की तारीख भी। 4 दिन बाद तुम्हारा और रोशनी का निकाह है। क्या इतनी जल्दी शादी की तारीख भी तय कर दी? और ये कैसे लोग हैं, आने से पहले बता नहीं सकते? तुझे तो पता था ना वो लोग कब आ रहे हैं, तो घर में बैठती ना, तेरे भी पांव टिकते नहीं है। अजीब लोग हैं, ना मुझसे मिले और ना ही कुछ और। और सबसे ज्यादा अजीब तो मेरी अपनी खुद की माँ है, जो मुझसे इतनी ज्यादा तंग है कि पहली दफा मुलाकात में निकाह की तारीख दे दी। उन्हें नहीं मिलना होगा तुझसे, जैसे हम मरे दिल से ये शादी कर रहे हैं ना, वैसे वो लोग भी कर रहे होंगे। और तू सारी चीजें छोड़, तू तो खुश है ना, तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है। अब तू क्या चाहती है कि इस बदनामी में भी हम खुशी से नाचते फिरें? अम्मा इतनी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं थी। सारी की सारी प्लानिंग फेल कर दी मेरी। अभी तो उमर से मुझे कितनी बातें मनवानी थी, कितनी शर्तें तय करवानी थी, अब शादी के बाद कैसे दबाव डालूंगी मैं उस पे? रोशनी मुझे तो कहीं से भी तेरे लच्छन नजर नहीं आ रहे हैं घर बसाने के। देख तूने इश्क का चांद तो चढ़ा लिया है, इज्जत समेट और रुखसत हो जा। अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो तू इस दरवाजे पे आके बैठ जाएगी। ये देख अकल कर।